अनुदेशक शिक्षिकाओं ने बांधी राखी, मिला नियुक्तिकरण का आशीर्वाद। बड़ा समाचार आ रहा है अनुदेशक न्यूज पर। यूपी अनुदेशक शिक्षिकाओं ने बांधी राखी और मांगा नियुक्तिकरण का आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, जो आपके संघर्ष का सच्चा साथी। साथियों, यहाँ पे एक बड़ा समाचार आ रहा है, अनुदेशक शिक्षिकाओं ने विधायकों सांसदों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षाबंधन सूत्र बांधकर अपने नियुक्तिकरण की प्रार्थना की और कहा हमारी बात माननीय योगी आदित्यनाथ भैया तक पहुँचा दें और जल्द से जल्द अपनी बहनों को, अपने अनुदेशक शिक्षकों को नियुक्तिकरण का तोहफा दें। अनुदेशकों से संबंधित कई जनपदों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। यूपी महिला अनुदेशक शिक्षिकाओं ने राखी बांधकर आशीर्वाद मांगा है, उन्हें नियमित किया जाए और जब तक नियमित ना हो तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। पहले खबर हम लेते हैं झांसी से। माननीय श्री बाबूलाल तिवारी जी MLC के आवास पर पहुंचकर उनको राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनसे आग्रह करेंगे कि सभी अनुदेशकों को नियमित किया जाए, उनका नियमितीकरण कर दिया जाए। प्रिंस चौधरी की ये सूचना प्राप्त हुई है, जो कि कार्यकारिणी सदस्य व बुंदेलखंड प्रभारी हैं अनुदेशक संघ से। इस तरीके से दूसरी बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। सदर विधायक भूपेन चौबे को रक्षा सूत्र बांधकर अनुदेशक शिक्षिकाओं ने समस्या के निस्तारण की लगाई गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। ये सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश सोनभद्र की अनुदेशिकाओं ने सदर विधायक भूपेन चौबे को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधकर तोहफे में नियमितीकरण की मांग की है एवं नियमित होने तक 12 माह तक का उन्हें समान कार्य समान वेतन के तहत मानदेय दिया जाने की प्रार्थना की है। आप ये समाचार अनुदेशक न्यूज से आप कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्व प्रदेश में परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले चलाया जा रहा है। सोनभद्र के कार्यक्रम करने सोनभद्र जिलाध्यक्ष व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह कर रहे थे। अनुदेशकों की सभी मांगों को सदर विधायक भूपेन चौबे द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया और आश्वासन दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी इस बात को रखा जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा कि आपकी समस्त समस्याओं का निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ हैं, जिसकी चर्चा पूर्व से सरकार में चलती आ रही है। रविंद्र भाव सिंह जिलाध्यक्ष सोनभद्र प्रांतीय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपमा उपाध्याय, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आदि सभी लोग उपस्थित रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक जी से कि उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक जल्द से जल्द पहुँचाएँ और उनकी समस्या का निस्तारण करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विद्यालयों में राखी मेकिंग कंपटीशन एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एक दूसरे को राखी बांधी, दिया एक दूसरे को गिफ्ट, मांगा अनुदेशक शिक्षिकाओं ने नियुक्तिकरण का आशीर्वाद। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। आप सभी को अनुदेशक न्यूज़ की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई। आप सभी को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। नमस्कार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।